हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो का टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, यानी कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ टॉप 10 बेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम्स जो कि आप लोग अपने 4 GB रैम वाले डिवाइस के अंदर खेलने वाले हो, और आप लोगों को कुछ ज्यादा ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ने नहीं वाली, यानी कि ऑन बोर्ड ग्राफिक्स जो होते हैं आप लोग उन्हीं में ये गेम एंजॉय कर पाओगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक बोनस गेम भी बताऊंगा जो कि आप लोग खेल पाओगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले याद करा दूं मेरे दूसरे चैनल यानी कि रबील गेमर और वाइल्ड गेमर को सब्सक्राइब कर लो, जहां पे मैं गेमिंग वीडियो डालता हूं। जल्दी से जाकर वाइल्ड गेमर पे 100 सब्सक्राइबर कर दो ताकि मैं वहां पे GTA 5 के गेम प्लेस डालना स्टार्ट कर दूं। तो दोस्तों अब विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। गाइस अपनी लिस्ट में ना नंबर फर्स्ट पे आता है सेंट रोज 4। अब सेंट रोज एक ऐसी सीरीज है जो कि आप लोग कह सकते हो कि GTA सीरीज से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे उसी टाइप का ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, आप लोगों को गैंगस्टर वाली स्टोरी लाइन देखने को मिलती है, और आप लोगों को काफी ज्यादा बड़ा ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट भी देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पे आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छे ग्राफिक्स भी देखने को मिलते हैं, और इसी के साथ में आप लोगों को गन्स वन्स भी देखने को मिल जाएंगी। आप लोग गाड़ियां भी चला सकते हो, प्लेन भी चला सकते हो, और हेलीकॉप्टर भी उड़ा सकते हो, और आप लोग जो चाहे वो कर सकते हो। ये वाला गेम जो है ये सेंट रोज 3 का एक सीक्वल आप लोग कह सकते हो कि रहने वाला है, क्योंकि उसी स्टोरी लाइन को कंटिन्यू यहाँ पे किया गया है, और गेम अच्छा है। अगर सिस्टम रिक्वायरमेंट की यहाँ पे बात की जाए तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 4 GB रैम, 512 MB का ग्राफिक कार्ड, डुअल कोर प्रोसेसर, और सिर्फ और सिर्फ 10 GB की फ्री स्टोरेज चाहिए इस गेम को स्मूथली रन करने के लिए। अगर बात की जाए ना लिस्ट के नंबर सेकंड गेम की, तो हमारे पास है नन अदर देन ग्रैंड थ्रिफ्ट ऑटो 5, यानी कि GTA 5। अब ये तो भाई इतना ज्यादा कमाल का गेम है कि 2013 में आया था, और अभी तक इस गेम ने ना धूम मचा के रखी हुई है। यानी कि इस गेम के अंदर आप लोगों को गैंगस्टर वाली स्टोरी लाइन, एक कमाल का बड़ा ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट, ढेर सारे मिशन, अच्छा गेम प्ले, और बहुत ज्यादा मजेदार से ग्राफिक्स देखने को मिलते ही हैं। साथ में भाई ये गेम जो भी खेलता है ना उसको एक अलग ही टाइप का मजा आ जाता है। और अभी तक GTA 6 तो आई नहीं, लेकिन आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो अपने उस PC के अंदर या लैपटॉप के अंदर जिसमें आप लोगों के पास 4 GB रैम, 512 MB ग्राफिक कार्ड, कोर 2 प्रोसेसर, और मिनिमम 100 GB का स्टोरेज हो, तभी आप लोग ये गेम प्ले कर पाओगे। तो अगर बात की जाए ना इसके नंबर थर्ड गेम की, तो हमारे पास है फार क्राई 4। अब फार क्राई की सीरीज सारी की सारी ऐसी रही है जिसमें आप लोगों को फर्स्ट पर्सन शूटिंग एक्सपीरियंस तो देखने को मिलता ही है, और एक आप लोगों को खतरनाक सी स्टोरी लाइन देखने को मिलती है। यानी कि फार क्राई की सारी गेम्स हैं उनमें खतरनाक वाली स्टोरी लाइन है, खतरनाक वाला गेम प्ले है, और बहुत ज्यादा डेंजरस सा एनवायरनमेंट है। तो उसी चीज को यहाँ पे भी कंटिन्यू करके रखा गया है, और गेम काफी ज्यादा कमाल का रहने वाला है। आप लोग यहाँ पे शूटिंग एक्सपीरियंस ले सकते हो, ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस ले सकते हो, काफी ज्यादा इंटेंस स्टोरी लाइन यहाँ पे चलती है, और भाई काफी ज्यादा डिफिकल्ट चॉइसेस आप लोगों को गेम में करनी पड़ेंगी ताकि आप लोगों की स्टोरी लाइन आगे बढ़ सके। गेम की अगर सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो मिनिमम 4 GB रैम, 512 MB का ग्राफिक कार्ड, कोर i3 प्रोसेसर, और मिनिमम 30 GB का फ्री स्टोरेज साइज तो आप लोगों के पास होना ही चाहिए ताकि आप लोग ये गेम स्मूथली प्ले कर पाओ। अब इसी के साथ भाई अपने नेक्स्ट गेम यानी नंबर 4th गेम की बात करें ना, तो हमारे पास है नीड फॉर स्पीड राइवल्स। हम नीड फॉर स्पीड की भी एक ऐसी सीरीज रही है जो कि हम लोग ऑलमोस्ट अपने बचपन से ही खेल रहे हैं। यानी कि भाई इस गेम ने तब हाइप पकड़ी थी जब 2005 में नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड आया था, और उसके बाद से तो ये सीरीज बूम भी कर गई थी। और ये वाला जो गेम है ना ये भी आप लोगों को काफी ज्यादा कमाल का देखने को मिलता है। ओपन वर्ल्ड रेसिंग गेम है जहां पे आप लोगों को स्टोरी लाइन भी देखने को मिलती है, और डिफरेंट टास्क आप लोगों को करने होंगे, यानी कि डिफरेंट रेसेस हैं, कॉप से भी बचना है, आप लोगों ने अपने राइवल्स को भी नीचे गिराना है और सबसे 1 पे आना है। गेम अच्छा है। गेम की अगर रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो 4 GB रैम, 512 MB ग्राफिक कार्ड, कोर 2 प्रोसेसर, और मिनिमम 25 GB की स्पेस तो आप लोगों के पास होनी ही चाहिए। तो गाइस अब इसी के साथ बात की जाए ना लिस्ट के नंबर 5th गेम की, तो हमारे पास है बैटलफील्ड 3। अब बैटलफील्ड सुन के आप लोगों को समझ तो आ ही गया होगा कि ये किस टाइप का गेम रहने वाला है। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज्यादा इंटेंस शूटिंग देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा। इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पे ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट देखने को मिल जाएगा, ढेर सारे आप लोगों ने मिशन करने हैं। आप लोग एक सोल्जर हो तो आप लोग समझ ही सकते हो कि कितनी ज्यादा मुश्किल आने वाली है आप लोगों की जिंदगी के अंदर, और आप लोग ये गेम खेलोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस तो आएगा ही। साथ में यहाँ पे आप लोगों को अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, गाड़ियां वाड़ियां भी आप लोग चला सकते हो, और यहाँ पे भी आप लोगों को फर्स्ट पर्सन व्यू ही देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा ही लगता है भाई। बाकी यहाँ पे अगर सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 2 GB रैम, 512 MB का ग्राफिक कार्ड, डुअल कोर प्रोसेसर, और 20 GB का फ्री स्टोरेज साइज चाहिए इस गेम को खेलने के लिए। तो भाई बात की जाए ना अब लिस्ट के नंबर 6 गेम की, तो हमारे पास है स्लीपिंग डॉग्स।
अब ये थोड़ा सा पुराना गेम है, लेकिन भाई ये क्या ही कमाल का गेम है। यानी कि जब ये गेम आया था ना, तो इसने धूम मचा दी थी और लोगों ने इसको दबा कर डाउनलोड किया था और इसको खेला था। गेम के अंदर आप लोगों को स्टोरी लाइन ऐसी दिखाई जाती है, अरे नहीं सारी स्टोरी लाइन थोड़ी बताऊंगा, सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एक ऐसे बंदे की स्टोरी लाइन दिखाई जाती है जिसका नाम है विशन और वो एक अंडरकवर कॉप है। और अब उसने सन ओन यून गैंग के अंदर रिक्रूट होना है और उस गैंग का सफाया करना है। अरे टेंशन ना लो, सारी गेम की स्टोरी थोड़ी रिवील की है, ये वो वाली चीज है जो कि प्रोलॉग में आप लोगों को गेम खुद ही बता देगी। तो मैंने सोचा मैं खुद ही क्यों ना बता दूं आप लोगों को ये चीज। बाकी गेम अच्छा है, गेम की जो कॉम्बैट मूव है भाई क्या इंटेंस, जिनजेट्सु काटे जो होता है ना भाई साहब, वो सब कुछ यहाँ पे आप लोग करने वाले हो भाई। यानी कि कतई मजे का गेम है, एक दफा खेलोगे तो मजा ही आ जाएगा। गेम की अगर सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 2GB रैम, 512MB ग्राफिक कार्ड, या फिर अगर आप लोगों के पास नहीं है तो 256MB वाले ग्राफिक कार्ड में भी ये चल जाएगा गेम। डुअल कोर का प्रोसेसर और एक 15GB का साइज चाहिए आप लोगों को इस गेम को रन करने के लिए। तो गाइस जब बात की जाए ना लिस्ट के नंबर 7 गेम की, तो हमारे पास है X-Men Origin Wolverine। तो भाई निकल के आता है एक मार्वल से इंस्पायर्ड हुआ वाला गेम। यानी कि इसमें आप लोगों को देखने को मिलता है अपना लोगन जो कि है भाई वुल्वरीन, और अब उसने सबको अपने क्लॉज के साथ चीर फाड़ देना है। यानी कि आप लोगों को मूवी से कुछ रिलेटेड स्टोरी लाइन यहाँ पे देखने को मिलेगी। गेम अच्छा है, ओपन वर्ल्ड में आप लोग फ्री रोम कर सकते हो, डिफरेंट मिशन करोगे, और भाई आप लोगों को पता ही है कि वुल्वरीन आ गया तो एक्शन वाला गेम तो ये रहने ही वाला है। गेम में काफी ज्यादा कमाल की स्टोरी लाइन भी है और मजे तो आप लोग करने ही वाले हो। गेम की अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 1GB रैम, 256MB का ग्राफिक कार्ड, डुअल कोर प्रोसेसर और सिर्फ 8GB का आप लोगों के पास फ्री स्टोरेज होनी चाहिए आप लोगों के पास इस गेम को खेलने के लिए। तो गाइस अब बात की जाए ना लिस्ट के नंबर 8 यानी थर्ड लास्ट गेम की, तो हमारे पास है बैटमैन आर्कम सिटी। तो भाई अब इतनी लंबी लिस्ट आ गई और हमने बहुत कम सुपर हीरो वाले गेम की बात की है, तो ये एक निकल के आता है हमारे पास सुपर हीरो वाला गेम। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है अपना बैटमैन भाई साहब यानी कि ब्रूस वेन, जो कि निकले हुए हैं अपनी बिलव्ड सिटी यानी कि गॉथम सिटी को बचाने के लिए गुंडों से, बदमाशों से और बहुत सारे लोगों से। यहाँ पे आप लोगों को जोकर देखने को मिल जाएगा, हार्ले क्वीन देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों की नाक में दम करने वाली है। तो जाओ उनकी बैंड बजाओ और अपने मिशन और टास्क कंप्लीट करो और गॉथम सिटी को बचा लो। गेम के अंदर आप लोगों को बैट मोब, बैट साइकिल और ढेर सारी बैटमैन की और चीजें देखने को मिलेगी जो कि काफी ज्यादा मजे की लगती है। गेम की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो 2GB रैम, 512MB का ग्राफिक कार्ड, Core 2 प्रोसेसर और सिर्फ 17GB का फ्री साइज चाहिए आप लोगों को इस गेम को खेलने के लिए। तो गाइस अब बात की जाए लिस्ट के 9th नंबर के गेम की, तो हमारे पास है क्राइसिस। अब ये रहने वाला है क्राइसिस सीरीज का फर्स्ट गेम जहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग का एक्सपीरियंस। गेम के अंदर आप लोगों को काफी ज्यादा डिजास्टर देखने को मिलेगा, जैसा कि गेम के नाम में ही है क्राइसिस, तो गेम के अंदर भी क्राइसिस ही मच चुका है। यानी कि हर तरफ आप लोगों को काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन वाला एनवायरमेंट देखने को मिलेगा। आप लोग एक सोल्जर हो इलीट फोर्स के, जिसने अब भाई लोगों को बचाना है और दूसरी जो आर्म फोर्सेज है उनसे फाइट भी करनी है। गेम अच्छा है, अगर रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो 2GB रैम, 512MB ग्राफिक कार्ड, डुअल कोर प्रोसेसर और सिर्फ 9GB का स्टोरेज शायद आप लोगों के पास होना चाहिए ताकि आप लोग इस गेम को स्मूथली प्ले कर पाओ। तो गाइस अब फाइनली बात की जाए इसके लास्ट नंबर 10 गेम की, तो हमारे पास है द अमेजिंग स्पाइडरमैन। अब ये नाम तो आप लोगों ने सुने रखा होगा, आप लोग सही समझे, ये रहने वाला एक मूवी बेस्ड गेम। यानी कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन नाम की आप लोगों को जो मूवी देखने को मिलती है ना एंड्रयू ग्रिफिथ वाली, उसी से आप लोग कह सकते हो कि मिलती जुलती यहाँ पे आप लोगों को स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी, वैसे ही स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा। और सबसे कमाल की चीज मुझे इस गेम की जो लगी है ना वो है इस गेम के ग्राफिक्स काफी ज्यादा अच्छे हैं और भाई जो स्विंगिंग स्टाइल है ना स्पाइडरमैन का वो भी काफी ज्यादा इंटेंस है। गेम के अगर रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 2GB रैम, 512MB ग्राफिक कार्ड, डुअल कोर प्रोसेसर और 8GB का स्टोरेज शायद आप लोगों के पास होना चाहिए इस गेम को बहुत ही आराम के साथ प्ले करने के लिए। तो गाइस ये तो थी वो सारी गेम जो कि आप लोग अपने पोटैटो पीसी के अंदर खेल सकते हो, यानी कि अपने आलू वाले पीसी के अंदर खेल सकते हो। लेकिन अगर बात की जाए बोनस गेम की तो हमारे पास है असैसिन क्रीड 4 ब्लैक फ्लैग। तो भाई अब कैसे हो सकता है मैं एक लिस्ट बनाऊं गेम की और उसमें मैं असैसिन क्रीड को ना इंक्लूड करूं, तो ये तो नहीं हो सकता है। यानी कि इस गेम को खेलने के लिए आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ चाहिए 2GB रैम, 512MB का ग्राफिक कार्ड, डुअल कोर प्रोसेसर और 23GB का मिनिमम स्टोरेज साइज और आप लोग गुड टू गो इस गेम को खेलने के लिए। तो भाई लोग आज के लिए रखते हैं इतना ही, और ये थे वो सारी गेम जो कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताई थी। होप करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और गेम भी सारे पसंद आ गए होंगे। जो भी गेम आप लोगों को पसंद आया लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले याद करा दूं मेरे दूसरे चैनल यानी कि रबील गेमर को जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लो और वाइल्ड गेमर पर जाकर जल्दी से 100 सब्सक्राइबर करा दो ताकि मैं वहां पर GTA 5 की गेम प्ले अपलोड करना स्टार्ट कर दूं। लिंक आप लोगों को चैनल्स के भी डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी देखने को मिल जाएंगे, जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लो।
और मैं हूं रुबील, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखो अपना ख्याल और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।